हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का 2023 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको ये बुकलेट तब तक ओपन नहीं करनी है जब तक आपका टीचर करने के लिए नहीं कहता है। सेकंड थिंग ये है कि इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 100 के 100 ही अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आपको इसके आंसर करने के लिए एक OMR शीट प्रोवाइड की जाती है। देन थर्ड ये है कि आपको बहुत ही केयरफुली OMR शीट को फिल करना है। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अगर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पेज पर पहले 4 क्वेश्चन है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, सो दैट जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में अटैम्प्ट मतलब इंग्लिश में उसको समझ के अटैम्प्ट कर सकें और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में इसको अटैम्प्ट करके हिंदी में अटैम्प्ट कर सकें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं पेज को टर्न कर रही हूँ। देन इस पर भी सेम 4 MCQ हैं। आपको हर पेज पे 4 MCQ मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आया था। देखिए, अगर आप 100 अटैम्प्ट करते हैं और अगर आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं, अगर आप पेपर से 15 दिन पहले भी पढ़ रहे हैं ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको 33 मार्क्स जो अगर 100 में से हैं और अगर 75 में से 25 हैं तो आपको गारंटेड है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और काफ़ी इजी होता है। अगर आप इसमें ना काफ़ी इजी MCQ आते हैं अगर हम रिफ्रेशर से कंपेयर करें, बट इसमें MCQs में जो आंसर दे रखा होता है ना, ऑल ऑफ दीज सब में वो आंसर नहीं होता है, मैं आपको वो बता दूँ। इसीलिए आप MCQ में सारे ऑप्शन को एक बार केयरफुली पढ़ें, उन्हें समझें और क्वेश्चन को समझें कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो 33 वाला क्वेश्चन था, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ दिस इज़ अ कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण अब ज़्यादा भी हो सकता है, एक्सेसिव भी होता है और ये कम भी, लोअर भी होता है। तो माल न्यूट्रिशन का कारण पूछा है कि माल न्यूट्रिशन क्यों होता है, तो पॉवर्टी की वजह से, यानी कि गरीब कुपोषण बोलते हैं माल न्यूट्रिशन को, तो माल न्यूट्रिशन जो है वो गरीबी की वजह से होता है। तो आप इसमें ऑल ऑफ द अबव टिक नहीं लगा, मतलब सर्कल नहीं करें OMR पे, वरना ये गलत हो सकता है आपका। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और ये मत समझिएगा कि हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज रिफ्रेशर है, अगर आप रिफ्रेशर से भी पढ़ रहे हैं तो आप देखते होंगे कि 93 क्वेश्चंस तो एक चैप्टर में दे के रखते हैं ये लोग, यूनिट में नहीं होते, एक चैप्टर में होते हैं। तो आप बहुत केयरफुली पढ़ें और समझें उन चीज़ों को कि वो क्या कह रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझें थोड़ा सा। देखिए, कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि साइंस में थोड़ा, इसमें बायो भी आती है इंक्लूड, तो साइंस वाले आराम से समझ लेते हैं थोड़ा सा, बट इतना कुछ ये खास साइंस मतलब इतनी टफ नहीं होती है। आप कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले भी इसको ईजिली कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट को। फूड न्यूट्रिशन एक क्वालिफाइड कोर्स होता है और अगर आप इस वाले सब्जेक्ट में अच्छा नहीं करते हैं, अगर आप इसमें जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो नहीं ग्रैप कर पाते हैं, तो जो आपको आपके बाकी के पेपर्स होते हैं, वेदर इट इज़ मेजर और माइनर, आपको वो दोबारा से रिपीटेड करके दोबारा देने पड़ते हैं, अगर आप उसमें पास भी हो ना तब भी, क्योंकि आपको इसमें पास होना मस्ट है। अगर आप इसमें पास हो तो बहुत सही है, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली पढ़िए। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 88 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं और ये वाले जो डेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब है और वर्ल्ड वाटर डे कब बना जाता है, ये जो मेन क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चंस आप बिल्कुल पढ़कर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई तुक्का काम नहीं करता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब तुक्का काम करता है। और कुछ रिसेंट्स में भी होते हैं, वो भी पढ़िएगा ज़रूर। और यहाँ पर हम आ जाते हैं लास्ट पेज पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।